जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, ओप्पो आज अपने एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, ओप्पो A16। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इस स्मार्टफोन के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन का ऑफिशियल प्राइस क्या है, ये सेल पे कब जा रहा है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, हम लोगों को इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन कौन से अच्छे अल्टरनेटिव्स देखने को मिल जाते हैं, ये भी बताऊंगा मैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों ओप्पो K9 Pro के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो बना दिया था मैं, आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके जाके देखो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको सारे के सारे स्पेक्स बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 6.52 इंच का एक HD प्लस IPS LCD पैनल मिलेगा, 480 nits का टिपिकल ब्राइटनेस है, 269 का PPI है, और जो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको बता रहे ना, कोई फायदा नहीं है, 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट सारे स्मार्टफोन्स में होता है, जो दोस्तों 10,000 से ऊपर की रेंज के स्मार्टफोन्स होते हैं सब में होता है 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट। वो दोस्तों कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, हाई रिफ्रेश रेट होता है 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज, 160 हर्ट्ज, 165 हर्ट्ज, ये दोस्तों हाईर रिफ्रेश रेट कहलाते हैं, लेकिन जो 60 हर्ट्ज है वो स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है, वो कोई हाईर रिफ्रेश रेट नहीं है, वो सारे स्मार्टफोन्स के स्क्रीन में ऑलमोस्ट होता ही होता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अपने प्राइस रेंज के हिसाब से आपको बिल्कुल भी अच्छे स्पेक्स दे रहा है ना, यहाँ पर आपको कोई फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है, ना कोई स्क्रीन प्रोटेक्शन, ना कोई पंच होल डिस्प्ले, कुछ भी नहीं है, एक वाटरटॉप नॉच मिल जाता है, चिन मिल जाता है, बिल्कुल अच्छे स्पेक्स नहीं दे रहा है। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन बिल्कुल अच्छा नहीं है। कैमरास की बात कर ले तो कैमरास एकदम बेकार मिलते हैं, कैमरास एकदम अच्छे है ही नहीं। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग, 8 का सेल्फी मिल जाता है वाटरटॉप नॉच के साथ। तो कैमरास भी आपको दोस्तों एक एंटी लेवल के स्मार्टफोन्स के जैसे देखने को मिल रहा है, कैमरास बिल्कुल अच्छे नहीं है। मेन स्पेक्स की बात कर ले तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, यहाँ पर EMMC 5.1 का चॉइस सपोर्ट मिलता है, जो दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रोसेसर ही ऐसा दिया है जो EMMC 5.1 का चॉइस सपोर्ट करता है। LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिल जाता है, 5000 mAh का बैटरी मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 10 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। जनरली हम लोगों को 14-15 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन्स में 65 वॉट तक का चार्जर देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा पैसा लगा देंगे, कम से कम 30 वॉट का चार्जर तो मिलना ही चाहिए, अरे यार 18 वॉट का दे देते यार, वो भी मान लेते हम लोग, लेकिन 10 वॉट बहुत ही कम हो गया। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, कलरओएस 11.1 पे रन करेगा, तो मेन स्पेक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G35 मिल जाता है, जी हाँ दोस्तों, MediaTek Helio G35 जो 12 nm के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, और यहाँ पर पावर VR GE8320 का GPU मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज ये चिपसेट बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप दोस्तों नॉर्मल ग्राफिक्स पे ठीक ठाक गेमिंग कर लोगे, मीडियम ग्राफिक्स पे लैग होगा, हाई ग्राफिक्स पे इतना अच्छा गेमिंग नहीं करवा पाएगा ये। डे टू डे लाइफ पे स्मार्टफोन थोड़ा थोड़ा लैग करेगा, थोड़ा थोड़ा हैंग महसूस होगा, स्लो वर्क करेगा। परफॉर्मेंस वाइज ये चिपसेट अच्छा नहीं है, वैसे चिपसेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो खुद ही बोल रहा है कि मैं भाई 7-8-9 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन्स का प्रोसेसर हूँ, मुझे तो ये ओप्पो लेके आया है 14,000 की रेंज में, मेरी क्या गलती है। तो इसमें परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों देखोगे तो प्रोसेसर की कोई गलती नहीं है, ये ओप्पो की गलती है जो ऐसे प्रोसेसर को चूज किया है। यार Helio G90T चूज कर लेते, G88 है और G85 भी ले आते तो समझ आता कुछ, ऐसे ऐसे प्रोसेसर को ले लेते, G35 बहुत ही एंटी लेवल का हो गया। परफॉर्मेंस वाइज ये चिपसेट अच्छा नहीं है, 14-13 हज़ार की रेंज के हिसाब से देखोगे तो। डिजाइन और बिल्ड वाइज देखोगे तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन देखने में ऑर्डिनरी सा ही लगता है, पीछे से देखोगे तो कैमरा हाउसिंग जनरली वैसा देखने को मिल जाता है, कुछ नया देखने को नहीं मिलता है, तो अच्छा नहीं लगता है। और कलर्स भी काफी नॉर्मल से है, कुछ ग्रेडियंट कलर्स देखने को नहीं मिलते हैं, ब्लैक है और सिल्वर है बस, तो इतना दोस्तों कलर्स भी अच्छे नहीं है, ऑर्डिनरी लुक दे देता है। आगे से देखोगे तो वाटरटॉप नॉच है, चिन है, आगे से भी देखने में अच्छा नहीं लगता, पंच होल तो दे देता है यार कम से कम। डिजाइन वाइज अच्छा नहीं लगता है, बिल्ड वाइज देखोगे तो प्लास्टिक बैग के साथ आएगा, प्लास्टिक फ्रेम मिल जाएगा, कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं है, स्क्रीन प्रोटेक्शन देना चाहिए था, स्मार्टफोन गिरेगा तो टूटने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, तो स्क्रीन प्रोटेक्शन भी नहीं दे रहा है, डिजाइन वाइज भी अच्छा नहीं है, बिल्ड वाइज भी अच्छा नहीं है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है, प्राइसिंग की बात कर ले तो केवल एक ही रैम यूनिट लॉन्च हुआ है, 4+64 GB जिसका प्राइस है 13,990 रुपए, 14,000 रुपए।
तो दोस्तों आपको प्राइसिंग कैसा लग रहा है, अपने विचार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये जो स्मार्टफोन है 14,000 रुपए का प्राइस टैग डिजर्व करता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता यार। अगर ओप्पो की ब्रांडिंग को ध्यान में रखते हुए भी देखें तो इस स्मार्टफोन का प्राइस अगर 11,000 रुपए होता तो कुछ समझ आता, हाँ भाई ओप्पो का स्मार्टफोन है, ठीक है 11,000 रुपए, लेकिन 14,000 बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, क्या वाकई में हम लोगों को इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए? जी नहीं, आपको ये स्मार्टफोन नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीद लोगे तो आपके पैसे फंस जाएंगे, पैसे डूब जाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इस स्मार्टफोन से दूर रहो, भूल जाओ कि ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, इसको परचेस बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको अल्टरनेटिव बताता हूँ, उनको जाके परचेस करो, बहुत अच्छा वैल्यू मिलेगा। अगर दोस्तों अल्टरनेटिव की बात करें तो सबसे पहले जाओ सैमसंग गैलेक्सी F22 परचेस कर सकते हो तो कर लो, आपको बहुत अच्छी वैल्यू दे देता है सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ। अगर आपको एक अच्छे ब्रांड का स्मार्टफोन चाहिए, मतलब कि ब्रांड आपके लिए ज्यादा मैटर करता है, तो सैमसंग गैलेक्सी F22 बहुत अच्छा फोन है। नहीं तो दोस्तों अगर आपका बजट 10,000-11,000 रुपए है तो इन्फिनिक्स हॉट 11S की तरफ भी जा सकते हो, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। इन्फिनिक्स हॉट 11 भी देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। रेडमी 10 प्राइम भी है, Redmi 10 Prime भी देख सकते हो, Redmi 9 Prime भी देख सकते हो, Poco M2 भी देख सकते हो, Tecno Power 2 भी देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव देखने को मिल जाएंगे। मेरा सजेशन यही है आप Redmi 10 Prime की तरफ जाओ, नहीं तो Samsung Galaxy F22 की तरफ जाओ, नहीं तो दोस्तों Infinix Hot 11S की तरफ जाओ। ये तीन स्मार्टफोन्स हैं जो आपको बहुत अच्छी वैल्यू दे देते हैं, आप तीनों में से किसी के साथ भी जाओ आपको दोस्तों बहुत ही फायदा होगा। तो दोस्तों बस ये कंप्लीट पैकेज ओप्पो A16 का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, एम करते हैं दोस्तों 70 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपके क्या विचार है ओप्पो A16 को लेकर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।